हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए, जो ये आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि आईटीआई कॉलेज जो हैं वो कब खुलेंगे, ये भी काफ़ी चर्चाओं में चल रही है अभी खबर। इसके बाद दूसरी हम बात करेंगे कि आईटीआई की जो परीक्षा होनी है वो कब होंगी, कब से शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, वो भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सभी की डेट्स ऑलरेडी विजिट ने दे दी हैं, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो खास तौर से आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई कॉलेज कब खुलेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्टिविटी और टाइमलाइन, जो कि डीजीटी से ये एकेडमिक कैलेंडर आया था, उस पर मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असिस्टमेंट, प्लेसमेंट ड्राइव, ईटीसी। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स का जो भीतरी आकलन जो होता है, कॉलेज से मार्क्स जाना, कॉलेज का उसका काम पूरा कम्प्लीट होना एग्ज़ाम से पहले, वो सब कॉलेज वाले जब करेंगे तो उसके लिए इन्होंने डेट दिया है 1 जून से 31 जुलाई के बीच में ये सारा काम इनको करना है। यानी कि आप समझ जाइए, पहले एक खबर आई थी उसमें बताया गया था कि जो आपका 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई जो है उससे आपके कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे और काम जो आपका ये सारा काम है, भीतरी मूल्यांकन करना, आपके मार्क्स कलेक्ट करना और आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये सारा काम जो होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, वो 1 जून से 31 जुलाई तक कंप्लीट होने को है, ये सब उन्होंने बताया था। दूसरी बात हम करते हैं इसमें दोस्तों कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक डेट दिख रहा होगा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 का इन्होंने बताया है कि आपका जो है 16 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और वो 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो ये डेट कंफर्म है, अभी तक इसके बाद कोई डेट निकल कर नहीं आई है, कंफर्म डेट है, डीजीटी से ही आई है, एकेडमिक कैलेंडर जो उन्होंने निकाला था उसमें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होने हैं। बात करते हैं कि एग्ज़ाम तो करवाएंगे लेकिन सिलेबस का क्या होगा। सिलेबस के बारे में हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने पहले से ही, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड 60 से 70% ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑन गोइंग अकेडमिक ईयर बिफोर द सस्पेंशन ऑफ क्लासेज इन मार्च 2020 से जो क्लासेज स्टार्ट हुई थी उनमें अधिकतर इंस्टीट्यूट यानी कि अधिकतर आईटीआई कॉलेजेस ने ऑलरेडी उनका 60 से 70% कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 60 to 70% कोर्स उनका कंप्लीट हो चुका है। इस हिसाब से उनका कोर्स बचा है लगभग 30% या 40%, ठीक है, इस हिसाब से उनका कोर्स जो डीजीटी जो मानती हैं उस हिसाब से आपका कोर्स जो बाकी हैं वो या तो 40% बाकी हैं या 30% बाकी हैं। मोस्टली जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने 60 से 70% कोर्स पहले ही कंप्लीट करा दिया था लॉकडाउन से पहले तक। उन्होंने बताया है देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ ऑल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू रिशेड्यूल द एकेडमिक कैलेंडर 2019-20 एज फॉलो। सभी की सेफ्टी एवं सुरक्षा के लिए सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको आवश्यकता है एकेडमिक कैलेंडर 2019-20 को फॉलो करने की। आइए देखते हैं इनकी क्या प्लानिंग है आपका कोर्स पूरा करवाने की। कोर्स आपका कितना बचा है डीजीटी की नज़र में, आपका कोर्स 30 से 40% कोर्स आपका बचा हुआ है, ठीक है, तो वो कोर्स कब कंप्लीट करवाना है उनकी क्या प्लानिंग है। देखिए 30% से 40% जो कोर्स आपका बचा हुआ है उसको पूरा करवाने के लिए उन्होंने बताया है कि कंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड्स सच एज भारत स्किल,
भारत इसके लिए अब जो अभी लॉन्च किया था, आपने अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। पोर्टल ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल ऐप्स, इन सब के माध्यम से आप क्लासेस लेकर अपना 30-40% कोर्स या जो भी कोर्स आपका जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लीजिएगा। कब तक? टिल 31 मई 2020 तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया है। आप भारत स्किल पोर्टल के माध्यम से करें तो वहाँ पर आपको सब कुछ पूरी डिटेल, सिलेबस आपका पूरा करवाया हुआ है, आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सअप, यूट्यूब के माध्यम से आप अगर पढ़ाई करते हैं, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए किसी भी माध्यम से 31 मई 2020 तक, ठीक है। बात आती है 31 मई 2020 तक क्यों बोला गया है, क्योंकि फिर आपका जो जून शुरू होने वाला है 1 जून, ठीक है, उससे आपके जो भीतरी मूल्यांकन जो होने वाले हैं, कॉलेज के अंडर का जो काम होने वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। 1 जून से 31 जुलाई तक आपका फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट वगैरह काम आपका शुरू होने वाला है, इसलिए आप 31 मई तक अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद उनकी तैयारी है एग्ज़ाम करवाने की, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम करवा देंगे। बात आती है अगला तीसरा पॉइंट जो था हमारा, कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का यहाँ पर बताया है, एवेलेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 14 अगस्त 2020, इन्होंने रिजल्ट की भी डेट कन्फर्म दे दी है, 14 अगस्त इन्होंने डेट बताई है, यानी कि आपका अगस्त के महीने में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3-4 सवाल थे आपके, काफ़ी सारे उठ रहे थे, कमेंट भी आए हैं, कई लोगों ने पूछा भी है, उन सबको आज मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा ज़रूर। जिसने नहीं पता नहीं है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।